हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल टी टेन स्टडी पर। आज के वीडियो में हम लोग यांत्रिकी चैप्टर से 10 महत्वपूर्ण प्रश्न को देखने वाले हैं। इस वीडियो में मैंने सभी महत्वपूर्ण प्रश्न को ही रखा है जो आपके आगामी एग्जामिनेशन में इसके पूछे जाने की काफ़ी संभावना है, तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। छोटा सा वीडियो है लेकिन आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है, तो वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और सभी फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दीजिएगा। इससे पहले मैंने 2 वीडियो ऑलरेडी यांत्रिक के चैप्टर से अपलोड कर रखा है, जिसमें मैंने प्रत्येक वीडियो में 10-10 क्वेश्चन करा रखा है। इस वीडियो में 10 क्वेश्चन आगे कराने वाला हूँ, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखो, यंग प्रत्यास्थ गुणांक का मात्र क्या होता है, पहला प्रश्न है। तो यंग प्रत्यास्थ गुणांक का जो सयमात्रक होता है वो होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ओके, चलो देखो इसको कैसे समझोगे। यंग प्रत्यास्थ का मतलब क्या होता है, यंग प्रत्यास्थ का मतलब होता है प्रतिबल बट्टा विकृति। ठीक है, अगर आप इसको लिखोगे यंग प्रत्यास्थ गुणांक इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, प्रतिबल बट्टा विकृति। तो आप प्रतिबल को बल याद रखो, बल का ऐसा मात्रक क्या होता है, न्यूटन। तो ऊपर में न्यूटन आ जाएगा। अच्छा, बट्टा में है मीटर स्क्वायर, तो मीटर स्क्वायर कहने का मतलब कहीं ना कहीं जो मीटर है वो लंबाई होगी। तो विकृति का सीधा सा मतलब होता है कि कोई भी पदार्थ है उसकी आकृति में चेंज होना। तो आकृति में जब चेंज होगा तो उसकी लंबाई या तो घटेगी या बढ़ेगी। ठीक है, तो लंबाई में चेंजिंग आएगा, तो लंबाई जो होगा वो उसका क्षेत्रफल होगा। ठीक है, तो क्षेत्रफल में परिवर्तन। ओके, तो मीटर स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, यंग प्रत्यास्थ गुणांक का सयमात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। अगला है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन भौतिक राशियों के समान विमीय सूत्र नहीं है। ओके, तो देखो, कार्य एवं ऊर्जा का समान विमीय सूत्र होता है, आवेग एवं संवेग का समान विमीय सूत्र होता है, भार एवं बल का समान विमीय सूत्र होता है। अगर मान लो कि आपका विमीय सूत्र याद नहीं है तो आप देखो ना, कार्य और ऊर्जा का सयमात्रक जूल होता है। ठीक है, आवेग और संवेग दोनों बराबर है, भार एवं बल ये भी दोनों लगभग बराबर ही होता है, मात्रक जो होता है सबका बराबर है। तो भार और बल का न्यूटन ही होता है। ओके, लेकिन बल और दाब का नहीं, क्योंकि बल का न्यूटन और दाब का पास्कल होता है। तो ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, अब अगर बात करें बल का विमा, तो बल का विमा होता है MLT^2, यानी MLT पर पावर 2। ओके, और दाब का क्या हो जाता है, ML^1 T^2, यानी ML^-1 और T^-2। तो ए इसका करेक्ट आंसर होगा। एक खगोलीय इकाई संबंधित है, तो देखो ये एग्जाम ना जाने कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया है एग्जामिनेशन में। ठीक है, तो एक खगोलीय इकाई जो संबंधित है वो होता है सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की दूरी। ओके, तो ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और अगर हम इसकी लंबाई की बात करें तो लगभग 150 मिलियन किलोमीटर के करीब होता है। ओके, चलो अगर बात करें पृथ्वी से सूर्य की दूरी पर आधारित होता है ये। ठीक है, और इसका सही मान कितना होता है, 149 के करीब होता है, यानी समझ लो ना आप कि लगभग 150 मिलियन किलोमीटर या 93 मिलियन के करीब होता है पृथ्वी से सूर्य के बीच की दूरी। चलो आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी अविमीय राशि है। अविमीय राशि कहने का मतलब जिसकी कोई विमा ना हो। ओके, तो विकृति की कोई विमा नहीं होती है। ठीक है, तो ए इसका आंसर हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि नहीं है। तो ये इंपॉर्टेंट है, मैंने सदिश और अदिश राशि से एक सेपरेट वीडियो बना रखा है, आप उसको देख सकते हैं। सदिश राशि का मतलब होता है जिसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों, दिशा और परिमाण दोनों। तो इसमें पूछा गया सदिश राशि नहीं है, तो सदिश राशि जिसमें दिशा का बोध नहीं होता। तो इसमें जितने भी डाटा दिए गए हैं तो इसमें द्रव्यमान में दिशा का कोई बोध नहीं होता, मात्रा तो होता है लेकिन दिशा का कोई बोध नहीं होता है, इसलिए डी आंसर हो जाएगा, द्रव्यमान। डी एक सदिश राशि नहीं है, यानी अदिश राशि है। आगे, अदिश राशि है तो इसमें कौन है जो अदिश राशि है। तो देखो, ऊर्जा, बल, आघूर्ण और संवेग में अदिश राशि कौन है। तो देखो, संवेग आपका क्या है, सदिश राशि है। ठीक है, और बल आघूर्ण भी आपका सदिश राशि है, नहीं है तो ऊर्जा, ऊर्जा आपका एक अदिश राशि है। ओके, चलो आगे देखें, निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है। ठीक है, तो सदिश राशि हो जाएगा संवेग आपका। ठीक है, चलो, निम्नलिखित में कौन सी राशि सदिश नहीं है। तो सदिश नहीं है कौन है, तो बल, वेग, विस्थापन तीनों सदिश राशि है, आयतन जो है वह अदिश राशि है। तो याद रखिएगा, अदिश राशि जो होता है चाल कहे, दूरी कहे, द्रव्यमान कहे, आयतन कहे, समय कहे, ठीक है, इन सभी में दिशा का ज्ञान होता ही नहीं है, इसीलिए यह सारा का सारा अदिश राशि हो जाएगा। डी करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से सदिश राशि कौन है। ओके, तो देखो, सदिश राशि कौन हो जाएगा, सदिश राशि आपका हो जाएगा वेग। ओके, कंसेप्ट याद रखना, सदिश का मतलब होता है सदिश,
दिशा के साथ, तो जिसमें दिशा का बोध हो, सदिश राशि अ दिश, यानी कि दिशा का ज्ञान नहीं हो, अ का मतलब नहीं और दिश का मतलब दिशा, तो जिसमें दिशा का ज्ञान नहीं हो अदिश राशि कहलाएगा। ओके, तो वेग जो होता है उसमें डायरेक्शन होता है, क्योंकि एक निश्चित दिशा में जो विस्थापन होती है, ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वेग बोलते हैं। समय के साथ विस्थापन जो तय करता है उसी को वेग बोलते हैं, तो इसमें डायरेक्शन होता है। ओके, तो वेग क्या हो जाएगा, सदिश राशि। एक बार फिर से बोल दे रहा हूँ, बल, संवेग, विस्थापन, त्वरण, वेग, ये सारा क्या है, सदिश राशि है। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा एक व्युत्पन्न परिभाषा नहीं है। तो देखो यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा व्युत्पन्न राशि क्या होता है। व्युत्पन्न राशि जो होता है वह क्या होता है, स्वतंत्र होता है। एक आधारी राशि होती है और एक व्युत्पन्न राशि होती है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, आधारी राशि को हम लोग मूल राशि कहते हैं, ठीक है। आधारी राशि को क्या कहते हैं, मूल राशि कहते हैं। मूल राशि कहने का मतलब जो किसी की सहायता से व्यक्त ना किया जाता हो, और आधारी राशि जो होता है वो मूल राशि की सहायता से व्यक्त किया जाता हो, ठीक है। सॉरी, व्युत्पन्न राशि जो होता है वह आधारी राशि की सहायता से व्यक्त किया जाता है। तो इसमें कहा गया व्युत्पन्न परिभाषा नहीं है, इसका मतलब है कि इसमें क्या पूछ लिया है, मूल राशि। तो मूल राशि आपको द्रव्यमान मिलेगा। द्रव्यमान जो होता है यह सिंगल है, इसको व्यक्त करने के लिए किसी भी अन्य मात्रा की जरूरत नहीं होती है। तो द्रव्यमान का मात्रा क्या होता है, किलोग्राम होता है। द्रव्यमान एक प्रकार का मूल राशि है, ओके, आधारी राशि है। लेकिन घनत्व व्युत्पन्न राशि है, आयतन व्युत्पन्न राशि है, चाल व्युत्पन्न राशि है। मतलब कह लो कि द्रव्यमान जो होता है स्वतंत्र होता है, बाद में कि जो तीन ऑप्शन में है ये स्वतंत्र नहीं होता है। तो जो स्वतंत्र नहीं हो, कहीं ना कहीं आधारी राशि या मूल राशि पर निर्भर करता हो, तो व्युत्पन्न राशि कहलाएगा, ओके। और जो स्वतंत्र होता है, जिसको मापने के लिए किसी अन्य चीज़ों की जरूरत नहीं पड़ती है, तो वो होता है आपका आधारी राशि। तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि मैंने जो 10 क्वेश्चन बताए हैं सारा आपको समझ में आया होगा, और ये सारा का सारा इंपॉर्टेंट है। सभी फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर कर दीजिएगा, ये सीरीज रेगुलर चलता रहेगा, ठीक है। आपको यदि कोई क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं, हम उसका यथासंभव जवाब देने का कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।